Hello friends, welcome to my YouTube channel. Like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest updates. Let's start with today's video. In this video, we will learn how to log in CBSE training portal, how to register for the training, how to attend the training, and after the training, how to download the certificate. So let's start. Few months back, CBSE has sent one mail to all the principals. In that they have mentioned CBSE training unit has created unique ID on cbsedigitaledu.in for all the teachers. CBSE ने सभी teachers के लिए एक individual unique ID generate की है और वो ID school को भेज दी गई है. Now school will give this mail ID to their teachers and teachers will log in to Gmail using that new mail ID. इसके लिए teachers को क्या करना होगा? सबसे पहले वो Gmail open करेंगे और sign in पर click करेंगे. जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक मेल आईडी यहाँ पे एंटर की है. ये मेल आईडी टीचर के लिए सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड की गई है. हम इसे यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे. इस मेल आईडी के साथ एक पासवर्ड भी दिया गया है जो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम फर्स्ट टाइम इस मेल आईडी से लॉग इन करेंगे, वो आपको इस तरह से एक वेलकम मैसेज देगा जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. हम नीचे की तरफ एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, वो हमें क्रिएट न्यू पासवर्ड के लिए पूछेगा. हमें यहाँ पे एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है और इसे हमें याद रखना है कि बाद में जब भी हम लॉगिन करेंगे तो इस न्यू पासवर्ड से ही लॉगिन करना होगा. उसके बाद हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे. चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते ही अब न्यू मेल आईडी से आप यहां पे साइन इन हो चुके हो. इसी तरह आप भी, आपको जो सीबीएसई की ओर से नई ईमेल आईडी प्राप्त हुई है, उससे एक बार लॉगिन करके उसे एक्टिवेट जरूर करें और उसका पासवर्ड चेंज कर लें. 3 मई 2021 को सीबीएसई ने एक ऑफिशियल सर्कुलर पब्लिश किया था. उसमें उन्होंने मेंशन किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेज दैट प्रिंसिपल एंड टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ सीपीडी अपॉर्चुनिटीज एवरी ईयर फॉर देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ड्रिवन बाय देयर ओन इंटरेस्ट. एज पर दिस सर्कुलर, एवरी टीचर has to attend 50 hours training. 50 घंटे की ट्रेनिंग आपको एक साल में अटेंड करनी ही है. अब ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम CBSE की एकेडमिक वेबसाइट ओपन करेंगे. cbseacademic.nic.in वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ट्रेनिंग पोर्टल लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे. पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ट्रेनिंग पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपको लॉगिन एस में इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट पर क्लिक करना होगा. जैसे ही आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी. यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है. यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए आपको आपके स्कूल को कॉन्टेक्ट करना होगा. सीबीएसई की ओर से सभी टीचर्स के लिए एक यूज़र आईडी और पासवर्ड स्कूल को प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आपको स्कूल से यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा. यहाँ पे मुझे जैसे मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त हुआ है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा. यूज़र आईडी टाइप करेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड टाइप करेंगे और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे. एंटर करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे. लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा. अगर स्कूल की ओर से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो आप खुद आपके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग पोर्टल पे जाना होगा, लॉगिन एस पे क्लिक करना होगा और इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट पर क्लिक करेंगे.
उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद आप फ्री ऑनलाइन सेशन को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कोई सी भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग को ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टोरी टेलिंग इन क्लासरूम। और रीजन सिलेक्ट करें, रीजन सिलेक्ट करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, इसलिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे। और ये जो फॉर्म दिया गया है इसे आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपका नाम, आपका एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, जेंडर, ये सारे डिटेल भरना होगा। आपका डेजिग्नेशन क्या है स्कूल के अंदर वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ मेंशन करना है। और यहाँ पे स्कूल की डिटेल कि स्कूल का अफिलेशन नंबर क्या है, स्कूल का नाम क्या है जिसमें आप वर्क कर रहे हो, स्कूल की ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, और स्कूल कहाँ पर सिचुएटेड है, और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और उसके बाद आपको खुद को आपकी एक यूज़र आईडी यहाँ पे चूज़ करना है और उसका पासवर्ड आपको खुद डिसाइड करना है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप खुद भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप सबसे पहले माई अकाउंट पर क्लिक करके अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाइए और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड है या नहीं, और अगर ऐड है तो वो करेक्ट है या नहीं। अगर वो ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे उसे टाइप करके ऐड कर लीजिए, और अगर उसमें मिस्टेक है तो आप यहाँ से इसे अपडेट कर दीजिए। जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग रजिस्टर करोगे तो उसका जो लिंक है वो आपके इस मेल आईडी पर ही आएगा, और साथ में वो टीचर्स जिन्हें अभी सीबीएसई की ओर से नई ईमेल आईडी प्राप्त हुई है डिजिटल ईडीयू वाली, वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे उसे अपडेट कर सकते हैं, जिससे उसी ईमेल आईडी पे आपको सारे मेल्स प्राप्त होंगे। अगर आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी अगर पहले से जो चला आ रहा है अगर आप उसे ही यूज़ करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, पर बेटर होगा कि आप सीबीएसई के द्वारा जो नई ईमेल आईडी प्राप्त हुई है उसे यहाँ पर रजिस्टर कर ले और सारे ट्रेनिंग्स उसी के द्वारा ही आप अटेंड करें। अपडेट करने के बाद हम देखेंगे कि ट्रेनिंग कैसे रजिस्टर करते हैं, तो हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फ्री ऑनलाइन सेशन में जाएंगे। टाइटल ऑफ प्रोग्राम में यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरी दी गई है ट्रेनिंग की, उनमें से आप कौन सा ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। ट्रेनिंग का टाइटल सिलेक्ट करने के बाद सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में आपको आपका रीजन सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप अगर अजमेर रीजन से हैं तो आप अजमेर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की इतनी ट्रेनिंग्स इस मंथ में होने वाली है। जहाँ पर सीट्स फुल आ रहा है मतलब वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, आप उस दिन को उस डेट के लिए आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो एक 17 को, एक 23 को यहाँ पर ट्रेनिंग है जो आप ही अवेलेबल है, जिसमें अटेंड करने के लिए बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 17 वाले डेट को बुक कर रहा हूँ। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको उस ट्रेनिंग की प्रॉपर डिटेल शो हो जाएगी, और उसके बाद प्रोसीड टू फाइनल कन्फर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद हम डैशबोर्ड पर जाएंगे, और डैशबोर्ड पर अब आप देख सकते हो कि काउंट 1 की जगह काउंट 2 हो गया है। जब आप काउंट 2 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने ट्रेनिंग बुक की है वो यहाँ पे शो हो रही है, उसका टाइमिंग शो हो रहा है और उसका होस्ट कौन है वो भी शो हो रहा है। ट्रेनिंग के एक दिन पहले आपको आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल प्राप्त होगा। आप आपकी ईमेल आईडी ओपन कीजिए और वहाँ पे आपको मैसेंजर नाम से एक ईमेल प्राप्त होगा, मैसेंजर नाम से आप उस ईमेल को ओपन कीजिए। ओपन करते ही आपको वहां पर एक लिंक मिल जाएगा, ज्वाइंट इवेंट। ज्वाइंट इवेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा जहां से आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। ये ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है इसलिए यहां पे ज्वाइन नाउ नहीं लिखा रहा, वरना यहां पर ज्वाइन नाउ लिखा आता। ट्रेनिंग को मोबाइल में अटेंड करने के लिए जीमेल एप्लीकेशन ओपन करें। जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इसमें आपको मैसेंजर नाम के मेल को सर्च करना होगा। सीबीएसई की सारी ट्रेनिंग के लिए जो मेल प्राप्त हो रही है वो मैसेंजर नाम से आ रही है, इसलिए आप मैसेंजर नाम के मेल को ओपन करें। मेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेनिंग का नाम और यहाँ पर लिंक दिखाई दे रही है,
आप चाहे तो लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ ज्वाइन इवेंट है उस पे क्लिक कर सकते हैं। इन दो में से किसी भी एक ऑप्शन से आप आपके मोबाइल में ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ज्वाइन इवेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से एक फ्रंट खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले से ही वेबएक्स मीट नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिस्को वेबएक्स मीटिंग नाम के इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप इंस्टॉल करने के बाद साइन अप पे क्लिक करें और यहाँ पर अपना नाम और अपना लास्ट नेम टाइप करने के बाद आपकी जीमेल आईडी से इसमें अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद जब आप इस ज्वाइन इवेंट पे क्लिक करेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन विथ पे वेबएक्स मीट सिलेक्ट करना होगा और आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप मोबाइल में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान या तो ट्रेनिंग के एंड में होस्ट आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करेगा, या तो वो असेसमेंट फॉर्म हो सकता है या तो अटेंडेंस फॉर्म हो सकता है। इस फॉर्म को सबमिट करना ज़रूरी है। अगर आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। फॉर्म सबमिट करने के मिनिमम 48 आवर्स या तो मैक्सिमम 72 आवर्स के बाद में ही आपकी ये ट्रेनिंग पोर्टल पर अपडेट होगी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, रजिस्टर ट्रेनिंग 2, फी पेड 2, ट्रेनिंग अटेंडेड 2। आज ही ये मेरी ट्रेनिंग अपडेट हुई है 3 डेज के बाद में। अभी मैंने फीडबैक सिर्फ एक का ही सबमिट किया है। अब मुझे सेकेंड ट्रेनिंग का फीडबैक सबमिट करना है और फीडबैक सबमिट करने के बाद ही मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाऊँगा। तो फीडबैक कैसे सबमिट करते हैं उसके लिए हम ऊपर की तरफ यहाँ लिखा है फीडबैक ऑनलाइन सेशन पर जाएंगे और उस ट्रेनिंग को सिलेक्ट करेंगे जिसकी फीडबैक हमें सबमिट करना है। जैसे कि मैं 21st सेंचुरी स्किल्स का मुझे फीडबैक देना है, मैं उसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझे उसको सबमिट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है द वर्कशॉप कंटेंट वॉज रिलेवेंट कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसमें आप जो फील करते हैं उस पर आप टिक कर दें। टिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ लिखा आ रहा है सबमिट फीडबैक पर क्लिक करें। अब डाउनलोड करने के लिए सर्टिफिकेट के लिए आपको माय अकाउंट में जाना होगा और सर्टिफिकेट फॉर ऑनलाइन सेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहां से फ्री ट्रेनिंग सिलेक्ट करेंगे और जिस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसकी रेफरेंस आईडी सिलेक्ट करने के बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे वो आपको लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पर आपको इस ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट को सेव करना है। आप उसे सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप उसे ओपन करके चेक कर लीजिए, आपका ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप ट्रेनिंग पोर्टल पे सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हो। ट्रेनिंग के एक दिन पहले अगर आपको लिंक प्राप्त नहीं होता या तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 72 आवर्स के बाद भी आपकी अटेंडेंस ट्रेनिंग पोर्टल पर अपडेट नहीं होती है तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पर कॉन्टेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन दोनों ही मेल आईडी पर मेल ड्रॉप करना है और उसमें आपको आपकी ट्रेनिंग की प्रॉपर डिटेल मेंशन करना होगा। ट्रेनिंग के दौरान यूज़ की गई सभी वेबसाइट्स और कॉन्टेक्ट मेल आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।